आज हम आपको बताएंगे कि आप काइन मास्टर से उर्दू शायरी वाली वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। अपनी वीडियो को मुकम्मल देखने तब भी आपको समझ जाएगी कि आप काइन मास्टर से उर्दू शायरी वाली वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप काइन मास्टर से उर्दू शायरी वाली वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने वन बाय वन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट आप जैसे ही करते जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्या करना है, मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करने के बाद आपने अपनी कोई भी खूबसूरत सी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक स्केयर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है, जो सी स्टार्ट पोजीशन है ना उसको आपने थोड़ा जूम कर देना है और नीचे आपको एंड पोजीशन का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको थोड़ा जूम आउट ऐसे कर देना है, ठीक है। फिर से आपने बैक करना है। बैक करने के बाद आपने अपनी तस्वीर के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा ऐसी लेंथ इसकी इंक्रीज़ कर लेनी है। इंक्रीज़ करने के बाद आपके पास ना एक शायरी वाली ना वीडियो डाउनलोड होनी चाहिए। आपने शायरी वाली वीडियो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद लेयर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मीडिया का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ से जोन से भी आपने वो शायरी वाली वीडियो डाउनलोड की हुई है ना उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर सबसे पहले आ जाना है। आपने थोड़ा सा ना वो जो शायरी वाली वीडियो ना उसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ फिर से अपनी उसी शायरी वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके क्रोमा की के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, जो सी वो शायरी वाली वीडियो ना उसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके नीचे कर देना। नीचे करने के बाद आपने अपनी जो सी भी तस्वीर है ना उसको उसी शायरी वाली वीडियो के मुताबिक ले आना है। ले आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी तस्वीर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका ऑप्शन नज़र आ जाएगा कलर फिल्टर का। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करने के बाद कोई सा भी अच्छे से कलर फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी आपने वीडियो को देख लेना भाई किस तरह से भाई अच्छी सी बन गई है। जैसे ही आपकी वीडियो अच्छी सी बन के तैयार हो जाए आपने क्या करना है, यहाँ से आपको शेयर का ऑप्शन यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा एक्सपोर्ट का। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। इस ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करने जाएंगे तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। इसी तरह से आप काइन मास्टर से खूबसूरत सी शायरी वाली वीडियो बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई गया तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे।